कि देले हलियो पाऊ के पायल देले हलियो छागल देले हलियो पाऊ के पायल देले हलियो छागल तब बोले ने कहे तब बोले ने कहे छोड़नी बनाई के गे पागल तब बोले ने कहे छोड़नी बनाई के गे पागल किसे पटी से रखले हलियो हग छीन लेनी दिल गे हग से पटी से रखले हलियो छीन लेनी दिल गे अगे कैसन खंजर मरनी सोना की रोयो रहते दिन गे अगे कैसन खंजर मरनी जान की करे गोहार देखा और करे गोहार देखा और पूरा हिंदुस्तान हमारो दशरथ बाबा के हमारो दशरथ माँ जी के तमिले भारत रत्नवा हमारो दशरथ माँ जी के मिले भारत रत्नवा हमारो दशरथ बाबा के। साथियों नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरके अनमोल लाल। देखिए अभी हमारे साथ एक मगध के स्टार हैं और ये मगधी गाना गाते हैं और बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। इनका असर लीलता से कोसों दूर रहता है, हर एक गाना इनका हम सुनते हैं। आज ये मिल गए हैं तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या राज है जो इतना अच्छा अच्छा गाना लाते हैं और कैसे आप पॉपुलर हो पाइएगा, क्यों करके कि लगातार भोजपुरी में बिना असर लीलता के कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, लेकिन आप असर लीलता से कोसों दूर हैं, क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले सुनील गोपाल, सबसे पहले तो जितना भी देखने वाले हैं सबको प्रणाम नमस्कार, भाई सिंह गोपाल की ओर से। और आपका क्या चैनल का नाम? बीआरके अनमोल। बीआरके अनमोल में आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं सिंचाई से नहीं गाता हूँ ताकि जो माटी का चीज़ है और उसी चीज़ को मैं उठा रहा हूँ। अभी बीच में आपका एक बाबा दशरथ मांझी पर सॉन्ग आया, हाँ, तो कैसा उसका रिस्पॉन्स रहा, क्या पब्लिक का रिस्पॉन्स रहा? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और मतलब जितना सोचे नहीं तो उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला और इस तरह से मिलते ही रहेगा मुझे। तो गाना कैसा था थोड़ा हमारा दर्शक को सुना दीजिए, थोड़ा सा समझेंगे। गाना था कि कारे गोहार देखा और कारे गोहार देखा और पूरा हिंदुस्तान हमारो दशरथ बाबा के हमारो दशरथ माँ जी के तमिले भारत रत्नवा हमारो दशरथ माँ जी के मिले भारत रत्नवा हमारो दशरथ बाबा के। देखिए वो गाना आया था चंदन चंचल का, जो उनका गाना असर लील था और वो गाना के नाम था देवरा ढोड़ी चटना, उसको लोग स्टार बना दिया। लेकिन सुनील गोपाल जी जो देश के लिए समाज के लिए बाबा दशरथ मांझी ने पहाड़ काटे और उनके ऊपर इतना बढ़िया गाना लाए हैं जो भारत रत्न को लेकर के है, और आप लोग जाकर के सुनिएगा, इनका चैनल पे मिलेगा। और हम कहना चाहेंगे कि और अभी आपका नया में लेटेस्ट गाना क्या आया, थोड़ा सा सुनाइए। हमारे नया में एक सैड सॉन्ग है और जैसे में था मतलब हमारे दोस्त थे नीरज जी है, इन्होंने ये गाना लिखा है और राइटर यही है। गाना था किसे पटी से रखले हलियो हग छीन लेनी दिल गे हग से पटी से रखले हलियो छीन लेनी दिल गे अगे कैसन खंजर मरनी सोना की रोयो रहते दिन गे अगे कैसन खंजर मरनी जान। तो ये होता है सॉन्ग, ये सब सॉन्ग अगर मार्केट में ना बजे और इसको ना बजा करके लोग असर लील बजावे, समाज खराब करे, इससे बेहतर है कि ऐसा गाना को आप लोग सुनिए और ऐसे ऐसे सिंगर को प्रमोट कीजिए ताकि समाज में अच्छा गाना दे, अपने गाना के माध्यम से समाज को एक मैसेज देने का काम करे। हमारे साथ सिंगर सुनील गोपाल जी हैं। अच्छा, ये सब गाना कौन चैनल पे आपका है?
मेरा ये ऑफिशियल है, खुद का चैनल है और इसमें हम लोग बहुत से मेरा टीम है, जैसे हम हो गया दीपक जी हो गए और है नीरज जी, अंकुश भैया, तमाम लोग मेरे साथ में हैं। मेरा चैनल का नाम है भाई सुनील गोपाल ऑफिशियल। अच्छा अच्छा, सुनील गोपाल ऑफिशियल, बहुत गाना। तो इस चैनल पे जा करके आप लोग सर्च कर सकते हैं, हम सुने बहुत गाना, समझ सकते हैं और इनको सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ और हम जानने का प्रयास करेंगे। मान लिया जाए किसी का बर्थडे आ जाता है जी, किसी के शादी आ जाता है, उसमें मान लिया जाए आपसे लोग संपर्क करना चाहते हैं, तो कैसे संपर्क हो पाएगा? मेरा उसमें नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे रहता है, और ऐसे भी कोई भी जैसे ऑफिशियल सर्च मारिएगा उसमें गाना में रहता है, नाम लिखा हुआ रहता है, उसमें ट्रेड इंक्वायरी में जाइएगा जैसे ही मेरा नंबर मिल जाएगा उसमें, है ना, वहाँ से आप नंबर लेकर के इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब मान लिया जाए कोई अपना बच्चे का बर्थडे में प्रोग्राम रखा, आप वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं? हाँ एकदम पहुँच जाएंगे, है ना, बहुत खुशी खुशी वहाँ पहुँच पाएंगे, है ना। यानी बर्थडे हो, शादी विवाह हो, किसी कार्यक्रम हो, आप सुनील गोपाल जी को बुला सकते हैं, ये आने के लिए इच्छुक हैं। इनका संपर्क नंबर इनका यूट्यूब चैनल के गाना के थंबनेल में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर वहां से भी नहीं मिलेगा तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, है ना। कुछ हमारा दर्शकों को तड़क भड़क वाला जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है थोड़ा सा सुनाइए। तो एक ठो मेरा गाना था ये अभी जो बहुत ही वायरल चला और अच्छा प्यार दिए, ये गाना था, सैड सॉन्ग भी था इसमें, था सैड सॉन्ग था, पहले सैड सुनाते हैं उसके बाद सुनाएंगे। जी जी जी, सैड सॉन्ग था, बहुत अच्छा, अभी लगता है कि मतलब 10 दिन में लगभग लाख से प्लस उसको दिए थे रिस्पॉन्स। मेरा गाना था कि दिल हली पहु के पायल, दिल हली छागल, दिल हली पहु के पायल, दिल हली छागल, तब बोले ने काहे, तब बोले ने काहे छोड़नी बनाई के गे पागल, तब बोले ने काहे छोड़नी बनाई के गे पागल। वाह क्या बात है, आपका तो आवाज में दम है।